नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज फिर एक बहुत ही बढ़िया खबर, गुड न्यूज के साथ में आपके बीच में हम एक नया विषय शुरू करने वाले हैं और उस नए विषय में हम क्या पढ़ाने वाले हैं और उसकी विशेषता क्या है, उसका हमारे ज्योतिष में और हमारे निजी जीवन में, नित्य प्रति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर छोटी सी छोटी घटना से लेके विशेष घटना तक के लिए भी उस एक कोर्स का उपयोगिता बहुत ज्यादा है। तो मैं उस डिटेलिंग के लिए कि उसमें वो क्या पढ़ाने वाली हैं, जो हमारी इस कोर्स की शिक्षक रहेंगी मंजू जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि वो बताएं कि इस कोर्स में वो क्या क्या बताने वाले। मंजू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा सर ने कहा है कि हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू नया क्लास चालू करने जा रहे हैं, तो वो जो हमारी क्लास है वो पंचांग से जुड़ी हुई रहेगी, जो कि मुहूर्त का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये फलित ज्योतिष के अंतर्गत आता है। हम लोग जो है ज्योतिष को वेदों का नेत्र बोलते हैं, और नेत्र हमारा क्या काम करते हैं, नेत्र का काम है कि हम अपना भविष्य देख सकें कि उसमें भविष्य में क्या लिखा है। अगर हमें अपना पास्ट जानना है तो हम वो भी जान सकते हैं ज्योतिष के माध्यम से, और प्रेजेंट तो पता आराम से पता चल जाता है। तो उसको देखते हुए हम लोग जो ज्योतिष में पंचांग का जो महत्व है, पंचांग के जो पांच पार्ट होते हैं जिसमें हमारा नक्षत्र है, वार है, करण है, तिथि है, योग है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, इसके महत्व के बारे में जानेंगे, हमारे डे टू डे लाइफ में इनका क्या विशेष महत्व है, और इनके द्वारा जो हम मुहूर्त निकालते हैं उस मुहूर्त की क्या उपयोगिता है, और हम अच्छा मुहूर्त जो हमारे कार्य को अच्छे से सिद्ध कर सके, पूर्ण कर सके, उसमें सफलता दे सके, वो अच्छा मुहूर्त हम कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे। इसके साथ ही हम लोग जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब बताते हैं लोगों को, कोई हमारे पास आए लोग अपने आप कुंडली लेकर के और उनका उपाय बताते हैं और उनको बोलते हैं कि देखिए आप जो है रुद्राभिषेक जरूर करा लीजिए, तो फिर उनका क्वेश्चन रहता है किस दिन कराएं, तो शिववास की तिथियां निकालना कि कौन किस दिन हम लोग रुद्राभिषेक कराएं तो फलीभूत होगा, तो उसकी तिथियां निकालना है, या फिर हम लोग अभिजीत मुहूर्त निकालते हैं कोई अच्छा काम शुरू करने के लिए उसको निकालना है। वो सब निकालने के लिए हमें जो पंचांग की आवश्यकता पड़ती है, नित्य प्रति जो योग बनते रहते हैं, किसी दिन हम कोई 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 भी काम करना है, मान लेते हैं हमें जाकर के बाजार से ही कुछ अच्छा सामान लाना है, कीमती सामान लाना है, तो एक अच्छा योग हम देख लें कि हाँ इस दिन हम लाएंगे तो वो चीज मेरे पास बहुत दिन तक चलेगी, बहुत दिन तक उसका उस सामान को हम यूज कर सकेंगे, इस तरह की जो चीजें हैं हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पर मैं आपसे एक थोड़ा सा विशेष रूप से जानना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए, जैसे तिथियां हैं, वो तिथियों का महत्व क्या है? चलिए, आप पंचमा तिथि या षष्ठी तिथि की कुछ विशेषता दर्शकों को समझ आए इस प्रकार से कुछ बता दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंचमी तिथि जो है वो हमारी पूर्णिमा तिथि के अंतर में आती है, और इसको जो है ये लक्ष्मी प्रदा तिथि बोली जाती है। इस दिन हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें हमारा धन का बढ़ना, और इसके अलावा जो है जितना भी जो भी उस कार्य से हम शुभता ले सकते हैं वो शुभता हमें मिल जाती है। इस दिन जो है इस दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि हम किसी को उधार नहीं दें। पंचमी तिथि का एक ये भी है कि हमको उस दिन किसी को उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन हम लोग अगर केमिकल के क्षेत्र में कोई काम करते हैं उसमें भी हमें सफलता मिलती है, मेडिसिन के लाइन में भी अगर कोई काम हम करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। मंजू जी, इसको हम जो है कौन सी तिथि से शुरू कर रहे हैं उसके बारे में, आपने मुहूर्त निकाल के इसका शुरुआत करने का सोचा होगा, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताइए। जी सर, ये हम लोग क्लास जो है 22 सितंबर को शुरू कर रहे हैं, और इसकी टाइमिंग हमारी रहेगी रात को 8:30 बजे हमारा पहला क्लास रहेगा, ये हमारा ये है। तो मंजू जी, इसमें हमारी जो है कितनी देर की क्लास रहेगी?
हमारी क्लासेस जो है 1 घंटा हम लोगों ने समय रखा है, लेकिन 1 घंटा वो मिनिमम है, वो कभी 1.5 घंटा 1.25 घंटा भी बहुत मजे से चला जाएगा। करीब करीब प्रत्येक क्लासेस इसी तरह से जाएंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये कितने दिनों तक के लिए, कितनी क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी रहेंगी? मिनिमम हम लोग जो है इसमें 10 से 12 क्लासेस रखेंगे, लेकिन ये मिनिमम है, इसमें 2-3 क्लासे आसानी से बढ़ जा सकती है। तो इसमें जो हम एक तो रिकॉर्डिंग जैसे हम देते ही हैं वो हमारा देने का रहेगा, कोई आप इसमें सारा कंटेंट लिखवाएंगे या कोई? हाँ, इसमें जो है हम जो बोलेंगे वो तो रिकॉर्डिंग में चला जाएगा, स्टूडेंट्स आराम से इसमें नोट्स बना सकते हैं। जहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत होगी हम उसको भी बताएंगे बीच बीच में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक उसका जो फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूले पे हम लोग निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला बताएंगे, और जहाँ जरूरत पड़ेगा उसको रिपीट भी करेंगे, और उस कोशिश करेंगे कि अच्छे से बच्चों के नोट्स तैयार होंगे। वेरी गुड। इसके बाद एक मैं आपसे जो है ये पूछना चाहूंगा कि इसकी फीस क्या रहेगी, इसमें फीस क्या रहेगी? फीस हम लोग की बहुत ज्यादा नहीं है, 6,000 की फीस है, और हम समझते हैं कि काफी सुविधा होगी लोगों को, और इससे बहुत सारी उनको जानकारियां भी मिल पाएंगी इस कोर्स से, और वो लोग खुश रहेंगे कोर्स करने के बाद, उनको लगेगा कि हाँ 6,000 जो है मेरे लिए बहुत नहीं है। बहुत बहुत कम आपने फीस रखी है, बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए कि आप सभी जनरल लोगों के लिए आप बात में सोच रही हैं कि कम से कम फीस में अधिक से अधिक जानकारी देकर सिखाया जा सके। बहुत अच्छा प्रयास है आपका, इस बहुत अच्छे प्रयास के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि ये हमारी मिनिमम 10 से 12 क्लासेस मिनिमम है, और उसके बाद भी प्रैक्टिस के लिए जितनी चीज़ें आपको आवश्यकता होगी, हम जैसे नियम है हमारा इस चैनल में जिनको हम पढ़ाते हैं उनका एक ग्रुप बना देते हैं, वहां पर हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में आवश्यकता पड़ने पर जहाँ जहाँ जरूरत होती है सिखाते रहते हैं। तो जी मंजू जी अवेलेबल रहेंगी, वो आपके साथ, वो आपको जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी पूरा पढ़ाने का प्रयास करेंगी। व्यक्तिगत तौर पर भी किसी के कोई प्रश्न होते हैं तो हमारे यहाँ पर उत्तर दिया जाता है, उसी प्रकार मंजू जी भी आपके व्यक्तिगत प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। ये 1.5 घंटे तक की क्लासेस का हम मान के चल रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा रहेंगी क्लास, अगर उससे ज़्यादा समय भी हो जाएगा तो भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसको भी बढ़ाएंगे। और 10 से 12 मैंने क्लासेस आपको बताई दिया, 22 सितंबर, 22 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, 8:30 बजे का टाइम नोट डाउन कर लीजिए, और मिस मत करिए इस बहुत अच्छे कोर्स को। अगर आप मिस करते हैं तो आप अपने लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को खोएंगे जो आपको पंचांग के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व को भी समझने में सहायता दे सकती है, क्योंकि इस विषय में ये थोड़ा नहीं, काफी डिटेल्स में आपको समझाने वाली हैं, उसमें एक एक बारीकी आपको पता चलेगी। और फीस हम बता चुके हैं बहुत कम है, और रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मंजू जी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनको साधुवाद करता हूँ कि बहुत कम फीस में एक बहुत बढ़िया एक कोर्स वो कराने जा रहे हैं। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।